सर अस्सलाम वालेकुम। ये सर नीचे जो है ना रोड ग्रास है और इसमें भाड़ डाल के ना ऊपर मल्चिंग की गई है। ये सामने चौंसा लेट है और ये बाकी आम चौंसा है। ये अल्हम्दुलिल्लाह कंडीशन बड़ी ठीक है। कल मैंने फल की वेट पिक्स आपको सेंड की थी, तो ये इनके अंदर जो है ना फल है सारा ना, ऊपर से सारी जो है ना इसी फोट है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का ख़ास करम है कि पौधे बहुत खूबसूरत हैं। मज़ीद आप इसके बारे में राय दें। ये तीसरा साल है इसमें कोई खाद वगैरह इस्तेमाल नहीं की सर। ये कंडीशन है सर पौधों की, तो इसमें आपकी रहनुमाई जो है ना वो दरकार है। तो मज़ीद मैं आपको फल की पोजीशन भी दिखाता हूँ अंदर से पौधे के। ये सर ये अंदर से फल लगा हुआ है, साइज़ भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। ये इलाके की निस्बत जो है ना बहुत अच्छा साइज़ है और ख़ूबसूरत भी है। ये सामने सर आपको अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा फल लगा हुआ है और ऊपर से भी पौधों की कंडीशन सर आपने देखी। तो ये नीचे सर मल्चिंग की हुई है पौधे के, ये पूरा ढांपा हुआ है। तो नीचे इनके जो है ना रोड ग्रास ये लगा हुआ है। इसी तरह ये सामने लेट चौंसा है, इसमें फल अंदर बहुत ज़्यादा है और बाहर से भी इसने ना वो फोट खूब निकाली हुई है। तो ये सर चनाब गोल्ड है, न्यू वैरायटी है। ये इसकी कंडीशन, ये नीचे भी मल्चिंग की हुई है। ये इसके आम की सर ये देखें, ये तकरीबन 6 इंच लंबा आम है सर, ये देखें 6 इंच का। ये भी गुच्छों की सूरत में लगा हुआ है, ये देखें ना। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी कंडीशन है। मज़ीद आप रहनुमाई फरमाएं सर।